हिंदी ट्रस्ट में कम से कम एक ओबीसी को तो शामिल किया जाना ही चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वो खुद ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एक ओबीसी को जरूर लाया जाए। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो ट्रस्ट बनाया गया 15 लोगों का, इसमें संत होंगे, महात्मा होंगे और अयोध्या के भी लोग कुछ रहेंगे, अखाड़ों के लोग रहेंगे। एक दलित भी उस सदस्य रहेगा ट्रस्ट में, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो मैंने उनकी इस घोषणा का भी स्वागत करता हूँ और उनके लिए इसका काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के अंदर जो ओबीसी क्लास है, जो कि पिछड़ा पिछड़ा वर्ग है, भिन्न भिन्न जातियाँ हैं पिछड़े वर्ग में, वो राम के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा रखती हैं। एक मेरा सुझाव ये है कि ओबीसी में से भी किसी भी व्यक्ति को उस ट्रस्ट का एक मेंबर बना लिया जाए। जहाँ तक मेरा कोई प्रश्न है कि मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे छोड़ करके किसी को बना दे जो योग्य से योग्य व्यक्ति हो, जो राम मंदिर के प्रति जिसकी समर्पण की भावना रही हो, ऐसे व्यक्ति को बना देंगे तो उसका संदेश अच्छा जाएगा। राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई में शामिल व बाबरी विध्वंस मामले के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि ओबीसी समुदाय के किसी एक व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व ओबीसी समुदाय ने किया था, जिनमें खुद से लेकर कल्याण सिंह और विनय कटियार शामिल थे। ऐसे में एक ओबीसी को ट्रस्ट में जगह तो मिलनी ही चाहिए। कल्याण सिंह जी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। ये तो एक सच्चाई है कि उस आंदोलन में सारा देश एक हुआ था और नेतृत्व जो था उस आंदोलन का, राजनीतिक नेतृत्व, उसमें ओबीसी लीडर बहुत थे, जैसे कल्याण सिंह जी स्वयं, मैं, विनय कटियार जी और कामेश्वर चौपाल जी जो कि एससी कम्युनिटी से आते हैं, ये सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। और ये बहुत बड़ी घटना हुई थी क्योंकि जो गैर भाजपाई राजनीति कर रहे समाजवादी घटक के लोग थे, पिछड़े वर्ग उनके साथ थे। अयोध्या आंदोलन में ऐसा हुआ था जब पिछड़े वर्ग बीजेपी के साथ आ गए थे, और उसका कारण था कि अयोध्या आंदोलन के जो प्रमुख चेहरे थे वो अधिकतर ओबीसी सेक्शन के थे, लेकिन जो लोग उसमें हैं वो राजनीतिक नहीं हो सकते थे। ऐसे कई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से कोई नहीं होता, तो बहुत अच्छी बात होती। मैं कल्याण सिंह जी की बात का समर्थन करती हूँ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या में ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 9 फरवरी तक सरकार को ट्रस्ट बनाना था। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।